हाय दोस्तों, बुलेट लवर्स के लिए दो न्यू अपडेट हैं। एक बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है। अगर बैड न्यूज़ से अगर स्टार्ट की जाए तो दोस्तों, जो आप सामने देख रहे हैं बुलेट 350, अब जो आप ये मॉडल जो है बाय नहीं कर सकते, इसकी जो बुकिंग है वो स्टॉप कर दी गई है। अगर ये शोरूम पे अवेलेबल है तो आप बाय कर सकते हैं, बट अगर आप कंपनी से मंगाना है बुकिंग करा के, दोस्तों उसकी बुकिंग जो है 10 तारीख से स्टॉप कर दी गई है। अभी 10 जुलाई के बाद में कोई नई बुकिंग जो है नहीं ली जा रही, इसका मतलब अभी जो है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। एंड साथ ही साथ अगर गुड न्यूज़ की बात की जाए तो दोस्तों, बुलेट 350 नेक्स्ट जन का बहुत लोग वेट कर रहे थे एंड बहुत लोग पूछ रहे थे कब ये मॉडल लॉन्च होने वाला है। एंड फाइनली जो है इसमें कई सारे इनसाइड अपडेट्स आए हुए हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या जो है इसमें आने वाला है। J1B इंजन जो है इसके अंदर आने वाला है, जो कि हमने सेम क्लासिक का जो इंजन है ना, क्लासिक रिबॉर्न का जो इंजन है वो सेम इसके अंदर आपको देखने मिलेगा। नई चेसिस फ्रेम जो है इसमें पूरा लगाया जाने वाला है, बट कंपनी के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि इसका जो सिग्नेचर लुक है और सिग्नेचर थंप है वो आपको जो है डेफिनेटली इसमें देखने मिलेगा। अभी जो टैंक में जो हैंड आर्ट किया जाता है ना दोस्तों, वो भी आपको इसमें मिलेगा। साथ ही साथ जो साइड पैनल्स है उसमें भी हैंड आर्ट देखने मिलेगा। रेयर मडगार्ड का लुक जो है वो भी स्टैंडर्ड जैसे ही बनाने की कोशिश की गया है। और फ्रंट असेंबली तो वैसे आपको क्लासिक जैसी ही मिलने वाली, क्योंकि जो बुलेट है उसमें भी जो है आपको वैसे मिला होता है। एंड रेयर में आपको जो है इसमें आपको डिस्क नहीं मिलने वाला है, आपको ड्रम मिलेगा। फ्रंट में आपको डिस्क देखने मिलने वाला है, सिंगल चैनल ABS के साथ में, स्पोक व्हील के साथ में जो आपको मिलने वाला है। रेयर टायर थोड़ा पतला किया गया है एंड थंप के लिए जो है वो एग्जॉस्ट का शेप और लुक जो है वो भी चेंज किया गया है। एंड मेन चीज सिंगल सीट, जो क्लासिक और बुलेट को थोड़ा डिफरेंट करती थी, वो सिंगल सीट जो है आपको इस मॉडल में देखने को मिलेगी। बाकी हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर्स और बाकी सब चीजें जो है ऑलमोस्ट सेम टू सेम क्लासिक जैसी होने वाली है। क्लासिक रिबॉर्न जैसा ही लुक करेगा इंजन और बैंड पाइप, ये सब कुछ जो है आपको सेम टू सेम जो है आपको क्लासिक रिबॉर्न जैसा ही मिलने वाला है। बट इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में थोड़ा सा चेंजेस जो है वो डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। थोड़ा बेसिक टाइप का जो है आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलने वाला है, जैसे कि आपने हंटर में देखा होगा। हंटर जो फैक्ट्री लाइन वाला जो है ना, फैक्ट्री वाला जो वेरियंट है, वैसा कुछ जो है आपको इसमें इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने मिलेगा। अब दोस्तों आते हैं इसका प्राइसिंग क्या होगा और ये कब लॉन्च होने वाली है, जिस पर बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे एंड फाइनली उसका डिटेल जो है अब आ चुका है। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि अभी करंट बुलेट जो है डिसकंटिन्यू हो चुकी है एंड इस बुलेट की अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो दोस्तों, इस बुलेट की प्राइसिंग जो है 12,000 to 15,000 ही इंक्रीज होने वाली है करंट मॉडल से। ज़्यादा डिफरेंस जो आपको नहीं देखने मिलेगा और J1B इंजन की वजह से जो है थोड़ा प्राइसिंग में डिफरेंस जो आपको देखने मिल रहा है। हालांकि पूरा लुक जो है वो स्टैंडर्ड जैसा ही बनाने की कोशिश की गई है एंड 1.65 to 1.70 lakhs के आसपास जो है इसका एक्शन प्राइस रहेगा। ये जो है ये हंटर से थोड़ी कॉस्टली होगी। हंटर जो है सबसे सस्ती बाइक होने वाली है एंड ये थोड़ी कॉस्टली जो देखने वाली है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेटल पार्ट जो है वो यूज़ किया गया है। हंटर में आपने देखा होगा प्लास्टिक पार्ट ज़्यादा यूज़ किया गया है। अब बात की अगर लॉन्च की दोस्तों, तो लॉन्च जो है इसका जुलाई एंडिंग या फिर अगस्त स्टार्टिंग कहा जा रहा है कि जो अगस्त मिड है उससे पहले पहले जो है ये बाइक लॉन्च कर दी जाएगी एंड टीज़र ये सब चीज़ें जो है आपको जुलाई एंडिंग के आसपास से ही स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत लोगों का वेट जो है यहाँ पे ख़त्म होता है एंड आई होप कि इस टाइम जो है रॉयल एनफील्ड इस बाइक को लॉन्च कर दे। एंड बहुत सारे चीज़ें जो हैं अभी मार्केट में आए हुए हैं, जैसे कि ट्रायम्फ ने, हार्ली डेविडसन ने, इन सभी ने अपनी बाइक जो है निकाली हुई है। जल्दी जल्दी जो है अब रॉयल एनफील्ड भी अपनी 450cc हिमालयन जो है रोड पे निकाले एंड जो अपने लॉन्च जो डिले किए हुए थे उसको स्ट्रीमलाइन करें, ताकि लोगों को जो है नए नए मॉडल और नए नए ऑप्शन जो है वो क्रिएट हो। एंड आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बुलेट जो डिसकंटिन्यू की है उसको लेके और नई बुलेट जो आने वाली है उसको लेके, जरूर कमेंट सेक्शन मेंशन करिएगा। एंड दोस्तों आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ वीडियो एंड करते हैं। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट को, ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी। बाय।